हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है कुमारी रीमा की रसोई में। आज मैं मसालेदार आलू बनाने जा रही हूँ, जिसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है और ब्रेकफास्ट में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए दो उबले आलू चाहिए, जिसको मैं एक एक इंच के लगभग में कट करूँगी। इसको मैंने उबाल करके छील लिया है, अब मैं इसको कट कर रही हूँ, जो आप देख सकते हैं। ना इसको ज़्यादा मोटा कट करें, ना इसको अधिक पतला कट करें। इस करके मैंने दोनों आलू को कट कर लूँगी। उसके बाद मैं सूखे मसाले डालूँगी। ऐसे ही आप दोनों आलू को कट कर लें। मैं इसमें सबसे पहले धनिया डालूंगी, एक चम्मच के लगभग धनिया डालना है। हल्की सी मिर्ची पाउडर डालूंगी, जीरा भुना हुआ पिसा हुआ डालूंगी, जो आप देख सकते हैं। चूर पाउडर डालना है, आधे स्पून के कम। हल्दी पाउडर डालूंगी और सबको मिक्स करूंगी। इसमें मैं नमक डालूंगी। आप चाहे तो सफ़ेद नमक का यूज कर सकते हैं या काला नमक भी आप डाल सकते हैं। देखिए, इन सबको मैं मिक्स करूंगी, अच्छे से पहले मिक्स कर लूंगी। उसके बाद में इसमें मैं जो आलू कट किए हैं उसको अच्छे से मसाले, इसमें आलू में थोड़ा सा मॉइस्चराइजर होता है, इस कारण ये अच्छे से चिपक जाएंगे। इसको पहले अच्छे से मिक्स करें, नहीं तो कहीं कम नमक लगेगा, कहीं ये अधिक लगेगा, इसलिए इसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। मिक्स हो चुके हैं, मैं इसमें इसको अच्छे से पोट करूँगी, जो आप देख सकते हैं। आप इसी तरह ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। ध्यान रखें, अधिक पतला ना आप आलू को अधिक पतला कट ना करें। इसी करके मैं पूरे को फिल करूँगी और उधर मैं गैस ऑन करके, देख सकते हैं इधर पैन में गर्म कर रही हूँ, इसमें मैं इसको सेकूँगी। देख सकते हैं मैंने एक स्पून के लगभग इसमें तेल डाला, इसमें अधिक तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तेल गर्म हो चुके हैं, मैं इसमें ये सारे जो मसाले लगाए हुए आलू हैं उनको मैं इसमें डालूंगी और मैं इसे ढकूंगी नहीं। अगर मैं ढक दूंगी तो करारे नहीं होंगे, मुलायम होंगे तो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। इस तरह मैं उलट पलट करके इनको अच्छे से लाल होने तक, तो आप देख सकते हैं मैंने दो तीन मिर्ची ली हुई है। इसको भी मैं मसाले डाल करके लगा करके कर करके इसमें उसे भी मैं डाल दूंगी, जो आप देख सकते हैं। मैं इसको पलट पलट करके अच्छे से पकाऊंगी, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ सर्व करूंगी। आप देख सकते हैं ये रेड हो चुके हैं और मैं इन्हें प्लेट में सर्व करूँगी। ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी नाश्ता होता है। आप इसे टी के, चाय, कॉफ़ी, चावल, दाल के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। इसकी मिर्च भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। अब आप देख सकते हैं कितनी करारी है, कितनी लजी ये नाश्ता है कि आप देखते ही इसे ज़रूर बनाएंगे। इसे चाय कॉफ़ी के साथ ब्रेकफास्ट में भी आप यूज कर सकते हैं, या चावल दाल के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, पुलाव के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट है, बहुत जल्दी बन भी जाता है।
अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।